तो रैंक डिसाइडिंग जो भी होगी ना वो ऑप्शन के बेसिस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्पीसीज कोई अगर है तो वो इंजीनियर्स होता है. मैथमेटिक्स कैन बी फर्स्ट चॉइस ऑफ इंजीनियर्स. डेली बेसिस पे यू आर टेस्टिंग योर थ्योरी, यू आर टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस. हेलो एवरीवन. Choosing a right optional subject for UPSC preparation had always been a very crucial decision. To assist with this, NextIS has come up with this optional guidance program wherein our faculties would be guiding and they would be addressing your queries related to optional subjects. Today, we have with us Avinash sir. He's a BTech from IIT Roorkee and he's also an ex-IES. So before we start with the conversation, I'm very curious to know कि आपने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से, आप ईएस भी रह चुके हैं, फिर ये टीचिंग वाली चीज कैसे हुई शुरू? थैंक यू मैम फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन. सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मनी वाइज लाइफ वाज क्वाइट गुड. एक्चुअली आई कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड सो आई फील डीपली अबाउट द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स. तो जैसे ही आई हैव सेव्ड इनफ आई क्विट माई जॉब एंड आई केम टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज. अब जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड आई अपीयर्ड फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई फेल मिजरेबली ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस ड्यू टू माई ओवर कॉन्फिडेंस. सो आई पैनिक्ड और उसी वजह से आई क्लियर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम कि कम से कम कुछ बैकअप रहेगा. और इनफैक्ट इसी सर्विसेज के थ्रू जब मैंने गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू किया तो आई रियलाइज माई नैक फॉर टीचिंग. एक्चुअली उस टाइम पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अभी तो फुली फंक्शनल है. तो उसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आई यूज टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि हाउ टू यूज दिस पोर्टल. तो ट्रेनिंग के टाइम ही मुझे फीडबैक मिलते थे कि आई एम क्वाइट गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स. तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार ठीक है बढ़िया, आई मीन आई एम क्वाइट गुड. और इसी टाइम पे फ्रेंड्स को भी हेल्प करता था मैथमेटिक्स वगैरह में क्योंकि पढ़ाई प्रिपरेशन तो चली रही थी. तो बस जब सब चीज़ें कनेक्ट हुई और अल्टीमेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन सिविल सर्विसेज तब मैंने डिसाइड किया कि यार आई विल परस्यू माय नेक्स्ट पैशन दैट इज टीचिंग. ओके सो सर मैथ्स हैड ऑलवेज बीन योर फेवरेट सब्जेक्ट? एक्चुअली माय मैथमेटिक्स हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट. इनफैक्ट आई गॉट इन टू IITs ड्यू टू माई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स. और कॉलेज में भी जब था तो मैथ्स डिपार्टमेंट के जितने भी इलेक्टिव्स होते थे उसमें मेरे बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आते थे. तो जब अल्टीमेटली मैंने डिसाइडेड कि आई एम गोइंग फॉर टीचिंग सो मैथमेटिक्स वॉज द नेचुरल चॉइस फॉर मी. So any aspirant who is preparing, how important it is to select appropriate optional subject? Super important. Why? Okay. If you talk about GS, it doesn't have the capacity of creating huge difference. जैसे कि अगर मार्क्स एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं मैम, जी एस के चार पेपर्स होते हैं ओवरऑल 1000 मार्क्स के लिए. अ टॉपर गेट्स अराउंड 450 मार्क्स, 45%. ठीक है, ऑप्शनल में 500 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसमें टॉपर गेट्स, इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स यू कैन स्कोर, यू कैन मैनेज टू गेट 350 और कोई भी एक दूसरा टॉपर है दूसरे ऑप्शन से 310, 320. तो कह सकते हैं इजी कैलकुलेशन के थ्रू कि भाई ऑप्शन में यू कैन गेट अप टू 70% मार्क्स और कुछ नहीं तो 60% 65% मार्क्स, बट जीएस में ओनली 45%. और जीएस बाय इट्स नेचर यू कैन नॉट से कि यू आर एक्सेलेंट और यू आर वेरी ग्रेट इन दैट. पॉइंट इज कि भाई डिफरेंस होगा भी तो मैक्सिमम 20 मार्क्स 25% मार्क्स का होगा, बट ऑप्शनल में यू कैन टेक द लीड. ठीक है, ऑप्शनल में ROI बहुत ज्यादा है. जीएस में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, देन ऑल्सो यू कैन मैनेज टू गेट ओनली 45% ऑफ मार्क्स. चलो ऑप्शन में ही उससे कम मेहनत पे यू कैन मैनेज टू गेट 70% ऑफ द मार्क्स. राइट, तो डिसाइडिंग जो होता है फाइनल रैंक में, अगर हम सोचें कि टॉपर में और जो 100th रैंक वाला है उसे मार्क्स में इज अ हार्ड डिफरेंस ऑफ 70 मार्क्स. तो रैंक डिसाइडिंग जो भी होगी ना वो ऑप्शनल के बेसिस पे होता है, जीएस पे नहीं. एंड दैट्स व्हाई एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शनल और चूजिंग ऑप्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो सर बेसिकली लाइक स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड विल यू सजेस्ट देम दे शुड गो फॉर मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन उठता ही इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड स्पीसीज कोई अगर है तो वो इंजीनियर्स होते हैं. ठीक है, उसका रीजन क्या है कि ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन उतना शायद
प्रॉब्लम नहीं करेगा या इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा. द रीजन इज वॉट एवर दे हैव बीन स्टडिंग इन देयर ग्रेजुएशन दे विल ऑप्ट फॉर द सेम सब्जेक्ट और दे विल गो फॉर द सेम सब्जेक्ट. इंजीनियर्स का होता है ये चीज कि वो इंजीनियरिंग करेंगे किसी से और ऑप्ट करेंगे कुछ और, ह्यूमैनिटीज का कुछ भी ऑप्ट करेंगे. उसका रीजन ये है कि वो 12th तक तो बिफोर एंटरिंग इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज दे वर्क रियली हार्ड. दे हैव द क्लियरिटी कि सम हाउ आई हैव टू एंटर इनटू इंजीनियरिंग, आई हैव टू एंटर इनटू आईआईटीज और एनआईटीज. उसके बाद उनको नहीं पता है. तो वंस व्हेन दे आर इनटू द कॉलेज, एक साल तो उनका हैंगओवर में जाता है कि नाउ वी आर इन द कॉलेज, अब लाइफ सेट है. ये अब रियलाइज होगा उनको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कि लाइफ वाज नॉट सेट, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग. तो उनका फर्स्ट ईयर तो जाता है हैंगओवर में, सेकंड ईयर जाता है डिसाइड करने में यार नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जाता है इसमें कि समहाउ आई हैव टू गेट द डिग्री अदरवाइज इट विल गेट एक्सटेंडेड. तो होता क्या है कि चार साल में वो कुछ पढ़ते नहीं है, तो उनका जो लेवल 12th में था थोड़ा सा ही इम्प्रूव होता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, इफ दिस फोर्थ ईयर कंट्रीब्यूट नथिंग, और इस वजह से वो सोचते हैं कि भाई अब ऑप्शनल क्या लें, क्योंकि ये जो पढ़ा वो तो कुछ काम का ही नहीं निकला, कुछ याद ही नहीं है मुझे, कुछ पढ़ा ही नहीं. और फिर वो चूज करते हैं कि क्या करना है. हालांकि ऑप्शनल जब चूज करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द बैकग्राउंड, इट मे बी अ डिसाइडिंग फैक्टर बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर. काफी सारी और भी चीजें डिसाइड करती हैं ऑप्शन चूज करने में, जैसे कि स्कोरिंग पोटेंशियल क्या है, कितना मैं मार्क्स मैक्सिमम ला सकता हूँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑप्शनल, इट इज सब्जेक्टिव और इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव, कितना उसमें रटना है मुझे, इट्स लॉजिकल और एवरीथिंग हैज टू बी लर्न, और विल दैट ऑप्शन विल बी हेल्पिंग इन माय प्लान बी और नॉट. फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज आल्सो ऑल इंडिया सर्विसेज. अब उसमें केवल इंजीनियर्स ही और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं. तो अगर कोई एस्पिरेंट फॉरेस्ट सर्विसेज को एज अ बैकअप प्लान रखता है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का बैकअप रखा था, तो कोई और एस्पिरेंट हो सकता है ही कैन कीप फॉरेस्ट सर्विसेज एज अ बैकअप प्लान, तो उसमें आर्ट्स है ही नहीं. तो वो फिर कोई ऐसा ऑप्शन चूज करेगा विच इज ऑल्सो इन फॉरेस्ट सर्विसेज. सो ये सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं. तो मैथमेटिक्स की बात करें तो वो स्कोरिंग पोटेंशियल में तो नो वन कैन बीट इट. प्लान बी में भी, इन फैक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज नॉट इन फॉरेस्ट सर्विसेज बट मैथमेटिक्स एंड सिविल एंड अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज आर देयर. सो उस हिसाब से देखें तो यस, मैथमेटिक्स कैन बी फर्स्ट चॉइस ऑफ इंजीनियर्स और साइंस ग्रेजुएट. इनफैक्ट साइंस ग्रेजुएट का तो होना ही चाहिए क्योंकि दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस इन देयर कॉलेज. सो सर, हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू प्रिपेयर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट? आइडियली फॉर प्रिपेयरिंग एनी ऑप्शनल यू हैव टू डिवोट 280 to 300 hours, चाहे कोई भी ऑप्शनल. अगर आपको ऑप्शनल इस लेवल में प्रिपेयर करना है कि आप सेलेक्ट हो पाए, देन यू हैव टू ऑनेस्टली डिवोट 280 to 300 hours. But generally it is said that mathematics has a very vast syllabus. That's not difficult to cover. That's not true. और इसी बात पे मैं एक छोटी सी कहानी थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा कि let's say there is a रैबिट एंड अ टर्टोइस, ठीक है, वो एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं. ट्रैक लेंथ इज अराउंड 100 meters. तो भाई खरगोश भी है, कछुआ भी है. अब खरगोश वो रेस कितनी देर में पूरी कर लेगा? 1 minute. हार्ट विल टेक 1 minute, राइट? अब कछुए कितना टाइम लेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, क्या पता बीच में ही सो जाए. तो अगर आप खरगोश से पूछोगे कि रेस वॉज लॉन्ग और वॉट, तो खरगोश क्या बोलेगा? या तो बहुत छोटी थी. What will be the answer of that? कछुआ क्या बोलेगा? वो बहुत लंबी थी. तो वही बात है, ट्रैक लेंथ जो सबके लिए सेम थी, बट कोई इसको कवर करता है 1 घंटे में, 1 मिनट में, और कोई 1 घंटे में. So it is completely the student's perception. Yes. Right. Student and teachers, दोनों. Teachers भी खींचते हैं कई बार साल साल भर. तो सबके लिए मैंने बताया ना कि आइडल टाइम इज 280 to 300 hours. Right. अब इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट एंड टीचर्स कि वो उसको कितने दिनों में खींचे. ओके, बट आइडियली अगर आपको उस लेवल का प्रिपेयर करना है टॉपर्स वाले लेवल पे, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज टू गेट सेलेक्टेड. सिर्फ यूज टू नहीं होना है, यूज टू होने के लिए 150 आवर्स और 200 आवर्स आर इनफ. बट अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको 300 आवर्स या 280 आवर्स लगने ही हैं, बीट एनी ऑप्शन. सो सेइंग कि ओनली मैथमेटिक्स इज लेंथी, इट्स नॉट ट्रू.
Okay. So, sir, here, like, I think the batch is starting from 15th of June. Yes. So, after that, students would be engaged with their prelims preparation. Mm-hmm. So, do we give some kind of hand-holding after the prelims till mains? Optional syllabus will finish by October. Yeah. Mm-hmm. After prelims, once your optional is done, actually, the way we cover the syllabus, you will be having your assignments. Hmm. और ये असाइनमेंट ही बेस बनाएंगे आपके रिवीजन के लिए ठीक है फिलिम्स के बाद यू विल बी हैविंग योर टेस्ट सीरीज इनफैक्ट दिस टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड इन आवर फाउंडेशन कोर्स ओह दैट्स ग्रेट बिकॉज़ जनरली इन द फाउंडेशन कोर्स द टेस्ट सीरीज आर नेवर इंक्लूडेड यस बट आवर प्लान इज दैट कि यू शुड बी गेटिंग एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट राइट तो आपको फाउंडेशन के बाद आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है यू हैव टू रिवाइज योर असाइनमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड आफ्टर फिलिम्स यू हैव टू राइट those tests. Okay. और उसी test के through we'll work on something else. What is this something else? See, maths, mathematics में there is nothing like answer writing practice. हमें कुछ उस पे work नहीं करना होता है कि my language should be flowery और ये सब कुछ नहीं होता. This is the question, this is the answer. That's all. But फिर भी कुछ होता है extra. What is that extra? Consistent practice. I mean, practice, yes. Whether you are able to recall whatever you have read, whether you are able to think in exam-like conditions, whether you are explaining your steps or not, or you are skipping some steps, whether you are quoting the theorems and formulas, whether you are defining the every variables or every unknown, ये सारी चीजें हैं हम लोग excel करते हैं while writing test papers. Okay. ठीक है? तो after prelims, you have to attempt your test, and this is the complete process. Attend classes, practice assignments, attempt test series. That's all. This is a complete process. Follow it and trust me, you will be confident. Confident enough ki you will feel like you are best in the market. And so what about the previous year questions? Are there any kind of revisions for that as well? See, previous year questions are not, I mean, this is not something that we'll discuss separately. Mm-hmm. Our assignment contains previous year questions as well as some standard question from standard books. So our assignment includes both of these things. So previous year questions are solved along with the syllabus. When we are discussing the topic, previous year questions ho gaye aur unke assignment problems ho gaye, sare ek hi saath discuss hote hain. Okay. So it's not like you have to solve those questions on your own. These are discussed in class itself. Okay. So, sir, what are the potential difficulties or challenges that these students face generally when they opt for mathematics as an optional? Excellent question, ma'am. Excellent question. See, and this is why some students fear ki bhai maths nahi lena hai ki dikkat ho jata hai ye wo karke. Maths mein you are challenged on daily basis. Jaise ki kaise? Let's say we are discussing some theory. उस थ्योरी पे बेस्ड पे देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स ठीक है थ्योरी कवर किया उस थ्योरी पे बेस्ड वी हैव सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस इन क्लास व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप यू विल गो होम यू विल रिवाइज दैट थ्योरी एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 टू 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट थ्योरी राइट इन द क्लास यू आर थिंकिंग कि यू हैव अंडरस्टूड दैट थ्योरी वेरी वेल बट व्हेन यू विल गो होम दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व any question out of those 15 questions, what will happen? You will start questioning yourself. You will start doubting yourself. Right. Yaar, sahi hai ki nahi hai. You should appreciate maths for this. Ki at least you know your level today itself. Varna hoga kya? Realization kab hoga ki aapko nahi aata hai? Exam mein. Kyunki baaki subject mein sab theory hi hai. You are not tested. टेस्ट सीरीज लिखोगे तभी पता लगेगा या फाइनल एग्जाम में पता लगेगा सो मैथ्स में ये चैलेंज आता है कि आप डेली बेसिस पे आप टेस्ट लिख रहे हो एक तरह से डेली बेसिस पे यू आर टेस्टिंग योर थ्योरी यू आर टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस यू आर टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग और बस यही सस्टेन करना होता है और टॉपर सस्टेन करते हैं और जो ये प्रोसेस सस्टेन कर ले जाता है ये प्रेशर सस्टेन कर ले जाता है वही सेलेक्ट होता है वही टॉपर बनता है So if we talk about the study material, so what kind of study material do we provide from here or any reference books that we, the student should refer to? See, maths can be, I mean, there is no dearth of material in mathematics, right? Kafi sari universities mein chalta hai,
है ना, ग्रेजुएशन में भी काफी लोगों ने कर रखा होता है. इनफैक्ट इंजीनियर्स ऑल्सो रिफर फ्यू स्टैंडर्ड हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक्स वगैरह, काफी कुछ मटेरियल है. इनफैक्ट NPTEL है, YouTube वगैरह भी है, बहुत सारे सोर्सेज है, ठीक है, और हमारी क्लासेस भी हैं. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग समथिंग फ्रॉम बुक्स, सी यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ स्कॉलर इन मैथमेटिक्स और स्कॉलर ऑफ लेट्स से एनी अदर सब्जेक्ट. यू आर हेयर टू क्लियर दिस एग्जाम. कॉम्पिटिशन इज फियर्स, टाइम इज लिमिटेड, ठीक है. तो अगर आप सब तरह से पढ़ना शुरू करोगे, सेल्फ स्टडी पे जाते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, NPTEL से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. बाउंड्री क्या है, क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इन सब में खो जाते हैं. तो उससे अच्छा क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, व्हाई आई फेल्ड, बिकॉज आई डिडंट हैव द गाइडेंस. आप क्लासेस ज्वाइन करो और जो भी रेलेवेंट काम है, होमवर्क है, अ टीचर डज दैट फॉर यू. यू जस्ट हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर टीचर, योर मेंटर, एंड एवरीथिंग रेस्ट, एवरी रेस्ट थिंग इज टेकन केयर. ठीक है, बस इतना सा है. अब आते हैं कि हाउ डू वी कवर इन इन आवर कोर्स. सी, वी हैव थ्योरी नोट्स एंड वी हैव असाइनमेंट्स. I should not call my notes as theory notes. Why? Because those are not, you know, these are more like workbooks. Okay. उसमें जैसे कि we have to discuss some theorem, divergence theorem, let's say. So in notes, in theory notes, there will be statement of divergence theorem. और उसके बाद you will be given some blank space. Okay. In that blank space, you have to attempt question. Okay. तो आपको class में ही वो question attempt करना है. और ऐसे ही सारे notes होते हैं. Theory space, theory space, theory space. तो क्लास की जो भी क्लास होता है, ढाई घंटे की या थ्री घंटे, थ्री आवर्स की, यू आर कंटिन्यूसली इंगेज्ड फॉर दोस टू और थ्री आवर्स. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका टॉपिक ना वो क्लास में ही पूरा कवर हो जाता है. फिर घर जाके आपको बचे हुए असाइनमेंट प्रैक्टिस करने, और वही असाइनमेंट, सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. तो हमारे नोट्स ऐसे रहते हैं. थ्योरी पूरा रहेगा, मोर लाइक वर्कबुक, एंड देन असाइनमेंट. Assignment contains, I mean, for example, our geometry assignment contains more than 100 problems. Okay. So you don't have to refer books for solving or practicing problems. You just have to attempt our assignments. Right. That would be sufficient. Right. You won't have time for studying anything else. Our study notes and assignments are sufficient. In fact, more than sufficient. मैं कई बार तो बोलता भी हूँ कि अगर काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर और क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई टाइम मिले तो कर लेना. टाइम मिले, आई नो कि यू वोंट गेट टाइम. अगर आपने इतना ही अच्छे से कर लिया, यू विल बी चैंपियन. सो आई थिंक सर वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट, व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड? आई थिंक मैम हम लोगों ने बहुत सिस्टमैटिकली सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. द ओनली थिंग इज कि डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. दोनों ही बातें हैं. ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है. ये मैं बोलता हूँ स्पेशली, दिस इज ट्रू फॉर दोज हु कम्स फ्रॉम प्रीमियम कॉलेज लाइक IITs वगैरह से. वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं. नॉर्मल कॉलेज वाले कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, वो भी नहीं करना है. सी, एवरी एग्जाम हैज स्पेसिफिक डिमांड्स. आपको बस उसको मीट करना है और कोई भी सेलेक्ट हो सकता है. बस क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड टेस्ट द प्रोसेस, दैट्स ऑल. बाकी आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स सब कुछ हैंडल करेंगे आपके लिए. आपको बस अपना टाइम और ऑनेस्टी देना है, दैट्स ऑल. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल, यू कैन एनी टाइम रीड सर और स्पीक टू अवर एकेडमिक काउंसलर. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you, ma'am.